अर्चना जी, मैंने एक रिसर्च की है. क्या आपको पता है इंडिया में कलर टीवी कब आया था? मेरे पैदा होने के बहुत साल पहले. तो रिसर्च ये कहती है कि जितना पुराना कलर टीवी है उतना ही पुराना जो है आपका करियर है. दोनों 1982 में आए थे, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ. हाँ, तब देख लो, आप घर पे बैठ के टीवी देखती थी, आज आप टीवी पे बैठी हुई दिखती हैं. तो तब से आप बैठी हुई हैं. काम क्यों नहीं करती आप? अरे शुरू शुरू में जो कलर टीवी होता था ना, सिर्फ बड़े घरों में ही होता था. उस चक्कर में ना बड़े घर के जो लड़के होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट लड़कों को भी कलर दुल्हने मिल जाती थी. ये सोच के कि चलो कलर टीवी से ही सही, जिंदगी में कुछ रंग तो आएंगे. इंडिया में 1982 में जब एशियाड गेम्स हुए तब कलर टीवी बहुत बिके थे. तब कुछ लोगों को आदत होती ना टीवी के रंग बढ़ा के देखते थे. हाँ, ना? करके, हाँ. कि कलर टीवी पे खर्चा किया तो कम रंग क्यों देखे. और कई तो इतने रंग बढ़ा देते थे ना कभी कभी कि अगर दो बॉक्सर लड़ रहे हैं, एक ब्लू कच्छे में और एक रेड कच्छे में, तो इतना कलर बढ़ाते थे तो नीला कच्छा उसका रंग बाहर आ गया ना, लाल कच्छे पे चढ़ जाता था. ऐसे होता था. और अगर बीच में वो रेफरी आ जाता ना व्हाइट चड्डे में, और लाल वाला इधर खड़ा नीला वाला, वो दोनों लाल और नीला उसके चड्डे पे आ जाता. ये अपने दास दादा ना, ये हमेशा कलर कम करके देखते थे. क्यों? इनके वहम था कि शायद कलर ज्यादा बढ़ाएंगे तो बिजली का बिल ज्यादा आएगा. इस चक्कर में देख लो दास दादा ब्लैक एंड व्हाइट रह गए. अच्छा, पहले के टाइम पे जब हम टीवी ऑन करते थे, जब सिर्फ दूरदर्शन होता था, तो टीवी ऑन करते दूरदर्शन का लोगो आता था ना, आदमी को ऐसे हिप्नोटाइज करता था ना वो ट्यून जो होती थी. आदमी आया तो रहता था हेमा मालिनी के गाने देखने, फिर वो किसान भाइयों की चौपाल देख के जाता था. शुरुआत में किसान भाइयों के लिए प्रोग्राम आता था कृषि दर्शन, आप सबको याद होगा, आपको तो ज्यादा याद होगा. अच्छा, जिन किसान भाइयों के लिए प्रोग्राम आता था उनके घरों में तो टीवी होता नहीं था, और जिनके घरों में टीवी होता था वो खेती नहीं करते थे. वो फिर जो टीवी वाले लोग थे वो कृषि दर्शन देख के फैमिली प्लानिंग करते थे. आप कृषि दर्शन बताते थे ना, एक और दूसरे पौधे के अंतर में 3 फीट का अंतर रखे, इससे पौधों को बढ़ने में सहायता होगी. आप देखना उस दरमियान जिन लोगों के भी बच्चे हुए उसमें 3-3 साल का फर्क है. आपके बच्चों में कितना फर्क है अर्चना जी? 3 साल. अरे शुरू शुरू में जब टीवी आया तो टीवी मोटा होता था और इंसान पतले होते थे. अब टीवी के आगे बैठ बैठ के इंसान मोटे हो गए, टीवी स्लिम होता जा रहा है. That's so sad part, yes. अच्छा, वो टीवी इतने मोटे होते थे उसके पीछे कोई छुप जाए दिखता नहीं था. कभी कभी ऐसा होता था ना, मेहमान आ जाते थे घर में बहुत सारे, तो हस्बैंड वाइफ को प्राइवेसी नहीं मिलती थी. तो वो टीवी के पीछे अपना चित्रहार शुरू कर देते थे. चित्रहार से याद आया, उस वक्त फिल्मी गाने देखने की बड़ी किल्लत होती थी. हफ्ते में सिर्फ एक ही प्रोग्राम आता था चित्रहार, तो उसमें भी 4 गाने दिखाते थे. उसमें से एक रोमांटिक गाना होता था 4 शिक्षा वाले. और जैसे विलेन हीरोइन को पकड़ता था वहीं पे चित्रहार बंद, नीचे लिखा था दिल्ली दूरदर्शन की भेंट. अच्छा, पहले टीवी की बॉडी इतनी बड़ी होती थी ना, तो लोग ऊपर क्या वो फ्लावर मैट बिछा देते थे, कई गुलदस्ता रख देते, कई अपने दादा परदादा जो बेचारे दुनिया छोड़ के जा चुके उनकी फोटो रखते थे चश्मा लगा के टीवी के ऊपर पड़ी, तो वो भी बैठे देखते रहते थे. आप टीवी देख रहे हो, बुजुर्ग आपको देख रहा है. और बीच में जैसे मंदाकिनी का गाना आता था बुजुर्गों की आंखें चश्मे से बाहर आ जाती थी. हैं? अच्छा, कई बार ना जो पुराने टीवी होते थे फोटो गायब हो जाती थी, सिर्फ आवाजें आती थी. मिस्टर इंडिया आ रही है, मोगेम्बो का डायलॉग चल रहा है. अरे मिस्टर इंडिया, तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे? ओह, छुपे हुए हो. ऐसी आवाजें सुनाई देती थी. अच्छा, आदमी को लगता था मोगेम्बो को मिस्टर इंडियन दिख रहा, मेरे को तो मोगेम्बो भी नहीं दिख रहा. तो टीवी का जो कुबड़ निकला था ना पीछे, उसमें 2 मुक्के पड़ते थे, टक टीवी करता था, फिर चल जाता था टीवी. अच्छा, उस वक्त जो टीवी आता था साथ में स्टेबलाइजर भी आता था, अगर शमी कपूर साहब का गाना चल रहा है. टीवी की बड़ी दिलचस्प चीजें थी. अच्छा, पहले गिने चुने घरों में टीवी होता था. जब रामायण आती थी मोहल्ले के सारे लोग उसी घर में जमा होकर टीवी देखते थे. गुस्सा तब आता था जब युद्ध का सीन चल रहा है, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं, एंटीना पे आके कौवा बैठ के पूरा एंटीना घुमा जाता था. और फिर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं और घर का जो सबसे छोटा बच्चा है वो ऊपर एंटीना ठीक करने जा रहा है, वो बेचारा ऊपर जाके घुमाता है, आया? अब आया? नीचे से बुजुर्ग बोल रहे थे, आ तू रहने दे, तेरे से पहले हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आ जाएंगे, घुमा इसको. बड़ी मजेदार चीजें होती थी.
जो सारे मोहल्ले वाले रामायण देखने आते थे ना बाहर अपनी चप्पल उतार के अंदर जाकर रामायण देखते थे, रामायण देखने आते थे भारत एक खोज देख के जाते थे, और जिन्होंने भारत एक खोज देखा रहता बाहर आके अपनी चप्पल खोज रहे, मेरी चप्पल कहाँ गई, एक ही घरों में इतनी महफिलें लगती थी उन दिनों, आप देखो किसी के घर के बाहर इतने जूते चप्पल पड़े रहते ऐसा लग रहा कीर्तन चल रहा है अंदर, बड़ा मजेदार माहौल होता था 80s में 90s में। अच्छा आजकल तो लोग समझदार हो गए हैं, उनको पता है जो कोई करेक्टर अंदर प्ले कर रहा है वो एक्टर है, वो असल में भगवान नहीं है। नहीं तो उस समय तो लोग भगवान मानते थे। अच्छा आपको याद होगा कैसे रामायण या महाभारत आती थी, उनके जितने भी एक्टर्स थे, मैं तो अभी भी कईयों को मिलता हूँ ना, उनको इतनी आदत होगी हम लोग हेलो ऐसे करते, वो कहते हेलो। लोग तो भगवान मान लिए उनको, अब वो कहाँ जाएं बेचारे का, किसी का नॉनवेज खाने को दिल कर रहा है। अच्छा आदमी एक भगवान बना हुआ है सीरियल में, वो अपनी बीवी के साथ शॉपिंग करने जा रहा, लोगों ने पकड़ लिया, बोलते पराई स्त्री कौन है, माते कहाँ है। अच्छा पहले मीडिया इतना फैला हुआ नहीं था, बड़ी मुश्किल से पहले 10-15 न्यूज आती थी, उसी में से आधा घंटा निकालने होता था उनको, तो बड़े आराम से ठहराव से न्यूज पढ़ते थे, कोई जल्दी नहीं, उनको खुशी की खबर हो दुख की खबर हो एक ही सुर में पढ़ते थे। 4 दिनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री आज से विदेश दौरे पे जा रहे हैं, ये खबर होगी, फिर पलटी मार देते। मशहूर पेंटर फुर्सत अली का आज बेंगलोर में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अच्छा विदेश दौरा दिल का दौरा इनके लिए सेम होते थे, तो जल्दी नहीं इनको। अच्छा वही आजकल न्यूज वालों के पास इतनी सारी खबरें आ गई हैं, इनको प्रोग्राम का नाम ऐसा रखना पड़ जाता है 2020 न्यूज, तो एक मिनट में 2020 न्यूज दिखा देते हैं। कुछ लोग शतक लेके आते हैं कि 5 मिनट में 100 खबरें। अच्छा 100 खबरें जब सुनाते हैं शुरू कहां से करते हैं, खत्म कहां से करते हैं? शुरू करेंगे अमेज़न के जंगलों से। अमेज़न के जंगलों ने खतरनाक आग पकड़ ली है, पिछले 50 सालों में सबसे बड़ी आग है। 50वीं खबर तक आते आते इनकी खबरें चेंज हो जाती हैं, अमेज़न की आग से नाले तक आ जाते हैं। बड़ौदरा के गंदे नाले से निकला मगरमच्छ, 3 कुत्तों की पकड़ी टांग, और 100वीं खबर तक आते आते ये आपके घर तक पहुंच जाते हैं। पेरेंट्स डे पे बच्चे की शिकायत सुनने आई महिला को ले भागा प्रिंसिपल, उनकी खबरें ऐसी हो जाती हैं। हरिद्वार में डुबकी लगाने गए नेताजी का कच्छा ले भागा बंदर। अच्छा कई लोग न्यूज भी राइमिंग में बोलते हैं, उनको मजा आता है, है ना। तेज बारिश से लोग पानी में घच, निगल रहे हैं मगरमच्छ, देखिए आंखों देखा हाल, पता नहीं। पहले के टाइम पे मर्डर की ये चोरी की खबरें नहीं आती थी, पहले वही खबरें आती थी, सरकारी खबरें, प्रधानमंत्री कहाँ गए हैं, नई योजनाएं क्या हैं, ये खबरें चोरी चकारी की, तो अगले दिन वैसे ही पता चलती थी लोगों के मुंह से या अखबार में आ जाती थी। मगर आज के टाइम पे न्यूज वालों ने क्राइम के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम बना लिया है, हर चैनल पे एक बंदा आता है और वो वारदात को ऐसे बताता है जैसे वो उधर ही खड़ा था। कुछ तो आपकी तरफ उंगली करके बताते हैं, ध्यान से देखिए ये औरत हंस हंस के कैसे डस रही है लोगों को। अच्छा टीवी देखने वाला आदमी डर जाता है कि अगर मैंने ज्यादा देर देखा ये इल्जाम मेरे पे ना लगा दे। पहले के जो सीरियल्स आप देखते थे, बाप का नाम होता था गेंदामल, नाम में ही गरीबी थी, नाम से ही लगता था आदमी कर्जे में होगा, प्रॉपर्टी के नाम पे 4-5 बच्चों के अलावा कुछ नहीं होगा, और सारा परिवार बड़ी बेटी की शादी के लिए परेशान हो रहा होगा पक्का। आजकल करेक्टर बदल गए, मिस्टर बजाज, मिस्टर ओब्रॉय, ये लोग सीरियल में आते करोड़ों की बातें करते हैं, मेरा 50 करोड़ नाली में गिर गया, व्हाट, ओके नो, अलमारी में से दूसरा निकाल लो। अच्छा करोड़ों की बातें करते हैं, और ये लोग जो करोड़ों की बातें कर रहे होते हैं, जब इनकी शूटिंग खत्म हो जाती है ना पैकअप के बाद, उसके बाद प्रोडक्शन वाले से लड़ रहे होते हैं, मेरा 3 दिन का कन्वेंस नहीं आया, मेरे को नहीं मालूम, 300 रुपया मेरा पड़ा हुआ है। तो इन एक्टर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरी तरफ मत देख, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अच्छा पहले जब एक ही चैनल होता था सीरियल्स जो चलते थे कहानी के दम पे चलते थे, उसके बाद इतना कंपटीशन हो गया, अभी कहानी वानी के दम पे नहीं और गिमिक्स डालने पड़ते हैं, तो आजकल क्या हीरोइन को नई नई साड़ी पहना देते हैं। हाँ कई लेडीज तो वही देखने आती है, कोमोली ने कितनी साड़ी पहनी है, आदमी डर के मारे चैनल चेंज कर लेता, मैच देखने लग जाता है, कहीं ये वाली साड़ी ये ना मांग ले। अपना मन मार के कोमोलिका की जगह राणा तुंगा देख रहा होता वो, बीवी भड़कती किस दिन तेरे राणा का तुंगा तोड़ूंगी मैं जब तुंगा। अच्छा बाद में और डिटेलिंग में जाने लगे ये लोग, हीरोइन की बिंदियां बदल गई, वो नागिन वाली बिल्ली आती है ना कमलिका, तो आदमी की बीवी जब ये नागिन वाली बिंदी लगा के आती ना वो समझ जाता आज डसेगी ये। पहले एक सीरियल आता था करमचंद, हफ्ते में एक दिन आता था, संडे के दिन एक अपराधी पकड़वा के निकल जाता था, लगता था देश बिल्कुल सुरक्षित है, कोई क्राइम नहीं हो रहा। उसके बाद CID आया, ये रोज ही केस सॉल्व कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ा है, कुछ तो गड़बड़ा है। वो ऐसा लग रहा था यार देश में क्राइम खत्म ही नहीं हो रहा, इतना क्राइम हुआ भी नहीं जितने इन्होंने पकड़ लिए। कई बार तो ये अपने बंदों को भेज देते, तू क्राइम कर मैं पकड़ने आऊंगा,
और एपिसोड खत्म होने के बाद ये जो एसीबी प्रद्युम्न होते थे कि फिर बोल के जाते थे कुछ तो गड़बड़ है. उनसे किसी ने पूछा भी कि आप हर बार ये लास्ट में ये क्यों बोलते कुछ तो गड़बड़ है. बोलता अगर ये हमने बोल दिया कुछ गड़बड़ नहीं है ये तो हमारा शो बंद कर देंगे. अच्छा बाहर के जो क्राइम शोज देखो ना आप, उनमें प्रॉपर लैब होती है, वो चेक करते हैं, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है, चेक करते हैं ये अच्छा लैब में डाल के छुरी इस्तेमाल हुई है. हमारे यहाँ पे हाथ में पकड़ के दिखा देते हो ना हो ये सांडे के तेल का जहर है. अब तो घर के हर कमरे में अलग अलग टीवी हो गया है. दादा दादी भक्ति प्रोग्राम देख रहे हैं, पत्नी अपने पति का मैच बंद करा के नागिन देख रही होती है, काम वाली भाई अलग ही कमरे में जाके क्राइम पेट्रोल देख रही होती है. वो देखने के बाद उसका पोचे पे ध्यान कम साहब पे ज्यादा रहता है कि इसके मन में मेरे लिए कुछ चलता नहीं रहा है. आजकल लेडीज सीरियल्स के अलावा कुकरी शो बड़ा देखती हैं. फिर जब पति भड़कता है ना, सारा दिन कुकरी शो देखती रहती है. सब्जी एक ढंग की नहीं बनाई तूने. पत्नी भड़कती, फिर तुम भी तो सारा दिन कौन बनेगा करोड़पति देखते हो, कभी बने हो? तो कहने का मतलब टीवी का हमारी जिंदगी में बड़ा प्रभाव है. टीवी से जुड़े बड़े मजेदार किस्से हैं सबकी लाइफ में. अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा मजेदार किस्सा है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं. जी भाई साहब. हेलो कपिल सर. हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन सर. सर मेरा नाम अंकित खनगवाल है, मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करता हूँ. अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर. थैंक यू सर. टीवी सर वैसे तो अच्छी चीज है, लेकिन कभी कभी इसके थोड़े से साइड इफेक्ट भी हैं. कैसे मतलब? सर मेरी वाइफ डेंटिस्ट है, मेरे साथ ही आई. नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. तो इनको खाना बनाना नहीं आता. अच्छा. और मेरी मदर कंजर्वेटिव हरियाणा फैमिली से है, तो वो सीरियल लेकिन लगातार देखती है टीवी में. अच्छा. तो रिसेंटली अभी मेरी वाइफ ने वही कुकरी शो आपने बताया ऐसे देख के कुछ शाही पनीर बनाया फर्स्ट टाइम. अच्छा. और मैं खा के उसकी तारीफ करने ही वाला था, जैसे ही मैंने बोला कि हाँ बहुत अच्छा बनाया, बैकग्राउंड के साथ आवाज आ गई सीरियल में, विहान तू तो जोरू का गुलाम बन गया. तो एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, उधर से बैकग्राउंड चल ही रहा था. और मैं उधर से, मेरी मदर खड़ी हो गई, फिर मेरी वाइफ ने पूछा अच्छी बनी है? मेरी मदर ने कहा इतनी भी अच्छी नहीं बनी है. दोनों के बीच में सर मैं बोल के निकल गया, मेरा गला खराब है, मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा. आदमी क्या करे, आदमी फंस जाता है. यू हैव टू लिव विद दैट. थैंक यू सर. हाँ मम्मी को बोलो ज्यादा बहू की कमी ना निकालने करे, बहू डेंटिस्ट है, कहीं दांत ही ना निकाल दे. पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में, शुक्रिया. थैंक यू. और कोई हमारे दोस्त जो अपना किस्सा शेयर करना चाहते हैं? जी मैडम. Hi Kapil. Hello ma'am. How are you? Love you all. Thank you. Love you all. Archana. sorry. We love you. Thank you ma'am. love you too. Shukriya. मेरा नाम केसर खान है. और केसर? जी हाँ. अरे वाह, क्या बात, सर्दियों में आया केसर. Thank you. केसर गर्म होता है ना? पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होता है. आप कहाँ से आई? पालघर बोईसर से आई. अच्छा जी, वहाँ भी छोटे छोटे पहाड़ हैं. जी. हाँ तो ये टीवी के लेके एक मेरा किस्सा है. जी. कि जो आपने अभी बात की 80 और 82 की. जी. तो उस टाइम पे हमारे यहाँ भी टीवी नहीं था. अच्छा. तो हमारे नेबर में एक कलर टीवी आया. अच्छा जी. तो उनके यहाँ टीवी देखने के लिए मजदूरी करनी पड़ी मुझे. अच्छा, कैसे? वो ऐसे कि वो बोलती, उनका पहले था छाया गीत देखने का 4 आना 8 आना, तभी चित्रहार का. और उसी पैसे लेते थे आपसे? जी हाँ. और मूवी देखने का 1 रुपया. अच्छा. पैसे भी नहीं थे. तो बेसिकली उन्होंने फिर तो धंधा खोला था ना फिर. हाँ. तो वो लड़की बोलती थी पड़ोस वाली कि अगर तुझे टीवी देखना है ना, तुझे मेरा थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा. अच्छा. तो मेरे साथ मेरा बर्तन घसा दे, फिर हम साथ में बैठ के टीवी देखते. बात ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है. जी हाँ, उस टाइम पे हमने टीवी के लिए बर्तन घसा. अगर शायद वो टाइम पे आपका शो आता तो शायद उनका पूरा घर का काम मुझे करना पड़ता. अभी हमारे यहाँ 2 टीवी है और दोनों पे वीकेंड पे 9:30 कपिल शर्मा रहते हैं. थैंक यू सो मच मैम, शुक्रिया. एक्चुअली ऐसा होता था पता, जिनके यहाँ टीवी होता ना, बड़ी गुंडागर्दी करते थे, दादागिरी होती थी उनकी. हमें तो सर्दियों में जाते थे टीवी देखने, तो जमीन पे बिठाते थे, खुद सोफे बैठ के अम्बल लेके, और हमें जमीन पे, ये नहीं सोचते थे बच्चे की निक्कर फटी हुई नीचे. हाँ. एक बार एक बच्चा ऐसे ना खिड़की में से टीवी देख के आ रहा था घर पे, बाप भड़क गया, कहाँ जा रहा तू? मैं टीवी देखने गया था उधर, पड़ोसियों के घर में टीवी देखने गया था. तो कौन सी फिल्म देख रहा था? कहाँ से देखी तूने? मतलब खिड़की में से. मतलब क्या देखा? उसमें ना हीरो हीरोइन का हाथ पकड़ता है और फिर वो उसको ऐसे हक कर लेता है, और फिर जब उसको हक कर लेता है फिर लाइट चली जाती है. बाप 2 थप्पड़ मारता है, बदतमीज क्या क्या देख के आ जाता है, उनके घर में तो टीवी नहीं है.
माहौल ऐसा था उस समय उनके घर में लगती थी। और कोई हमारे दोस्त जो अपना किस्सा शेयर जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो अर्चना मैम। सर मैं गुजरात के एक छोटे से गांव से हूँ। कितने छोटे? मैं कच्छ से हूँ, कच्छ भुज से। कच्छ से? अच्छा। मेरा नाम कमलेश है। कमलेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। टीवी की वजह से मेरी लाइफ बहुत रंगीन हो गई है। अरे वाह। रंगीन मतलब? जी मैं शादी का वीडियो बनाता हूँ। आप करते हैं वो सब कैप्चर? जी। तो आपकी जान को तो बड़ा खतरा रहता होगा। सर मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे हमारे में रिवाज ऐसा है कि सगाई हो या शादी हो माँ बाप जहाँ तय करते हैं वही होती है। वो शादी की रात को पता चलता है कि लॉटरी निकली है या घाटा हुआ है। तो फिर आपकी लॉटरी निकली के घाटा हुआ? लॉटरी निकली। तो फिर सामने वाले का घाटा हुआ। चलिए बड़ी अच्छी बात। तो फिर तो मेरी सगाई होगी। अच्छा, मैंने देखा नहीं था मेरे वाइफ को, उससे अच्छा, बात करना था। अच्छा। लेकिन नंबर कैसे भेजू? हाँ। तो बाद में एक आइडिया आया। क्या? किसी से मैं पूछू तो बात पेरेंट्स तक पहुंच जाएगी कि लड़का नंबर मांग रहा है। हाँ। तो चप्पल में मिलेगे। हाँ। तो क्या किया मैं, जो सीडी बना था हमारे में केबल में, जिसका भी शादी होता है उसका सीडी एक बार केबल में लगता है। हाँ। तो क्या हुआ, मुझे बात करना था, जानना था उसके बारे में, उसकी पसंद नापसंद। तो मैंने जो सीडी बनाई थी शादी की उसके नीचे हेडलाइन लगा दी, वीडियो बाय कमलेश पटियार मनफरा मेरा। अच्छा, गांव। फिर दूसरे दिन फोन आ गया। वाह। तो सिर्फ उन्हीं का आया कि और भी लोगों के आए? नहीं, और लोगों का भी, यहाँ बोलूंगा तो घर पे मार पड़ेगी ना। अच्छा। तो फिर तो अभी मेरी लाइफ खुश है उस वजह से। अच्छा जी। तो आप बड़ा क्यूट और बड़ा मजेदार, बड़ा इनोवेटिव आइडिया निकाला आपने। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी। एक बात और जी, मेरे वाइफ हमेशा पूछती है आपका शो देख के। अच्छा जी। ये कपिल सर कोई भी खूबसूरत लड़की आती है फ्लर्ट करते हैं, इनकी बीवी कुछ बोलती नहीं है घर पे? बोल बोल। देखो क्या होता है, जैसे हम लोग ऐसे जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जी, तो कितने लोग आते हैं सफर करते हैं उसमें, लेकिन रजिस्ट्री तो गवर्नमेंट के नाम है। तो उनकी गाड़ी तो सुरक्षित है जी। थोड़ा सा मतलब लेट्स चेंज द टॉपिक। पर बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त जिन्होंने? जी मैडम। अरे वाह, कितनी प्यारी साड़ी पहनी आपने। थैंक यू सो मच। आई एम नंदिता गांगुली, जेम स्कूल नासिक की। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आई एम इन एजुकेशन फील्ड फॉर 43 इयर्स से हूँ। अरे वाह। पर बोला जाता है कि टीवी इज ए इडियट बॉक्स जी, पर मैं कहती हूँ टीवी तो एक जीने का जरिया हो गया है। और जब से आप आए हो इस शो में, थैंक यू मैम, आई लिव योर लाइफ। थैंक यू मैम। बच्चों को खुशियाँ देती हूँ, बच्चे खुश होते हैं मुझसे, एंड जो आपका ये स्टाइल है ये मेरा भी स्टाइल है। लिव लाइफ किंग साइज। किंग साइज। कैन आई हैव अ पिक्चर विद यू? या श्योर श्योर मैम, आइए। ऐसे स्टाइल। थैंक यू मैम, थैंक यू। आई हैव लिव्ड माय लाइफ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। आई ब्लेस यू। थैंक यू मैम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थोड़ी देर में आता हूँ। पहली बार मैंने चंद्रमुखी के गाने में बंदरमुखी की एंट्री देखी है। क्यों शोर मचा रखा है? शमशेर जी, मैं चंद्रमुखी नहीं, पारो बनी हूँ, और हाथ में ये दिया सिर्फ और सिर्फ मैं देव बाबू के लिए जलाया है। देखो मेरी बात सुनो, फिल्म फिर तुझे फिर भी नहीं मिलना। उल्टा ना तूने ये दिए जला जला के हाथ जला लेना अपना। बचपन में एक बार इसने अनार बम मुंह में डाल के जला दिया था, अनार उल्टा चल गया, देख लो। इतने
अच्छे से इतने सुंदर गाने पे इतनी अच्छी एंट्री की है, ये नहीं कि दो तारीफ कर दूं। ये सब करना जाके इंडियाज बेस्ट डांसर में करो, चलो। और ये सब क्या है, ये किसके लिए? ये बॉटल देव बाबू के लिए है। मुझे पहले ही पता था नाटक की आड़ में ये नकली शराब का धंधा करती है। एक सेकंड। कमिश्नर, कमिश्नर साहब, हेलो कमिश्नर साहब, कच्ची शराब मिली है, इसकी अखबार में खबर देनी है कि चखना मंगवा लूं? ओहो, एक मिनट, नहीं इससे ज्यादा क्या सस्पेंड कर दोगे, पहले सस्पेंड हूं मैं। रुकिए रुकिए, आगे वाली सारी गालियां मेरे को आती है, देख लो। सामने कोई दूसरा कलाकार भी नहीं, उसकी डायलॉग सोच सोच के खुद ही जवाब दे रहा हूँ, इसे कहते कलाकारी। कलाकारी। इंस्पेक्टर साहब जी, आपको नहीं लगता आजकल आप कुछ ज्यादा ही हमारे मोहल्ले में आ रहे हैं? ये बात तुमने कभी अक्षय कुमार को बोली? अगर बोल देती ना तुम अक्षय कुमार को, तो तेरे आईब्रो से पकड़ के तुझे जुहू में रखा था वो। बड़ी यही मोहल्ले में ज्यादा आ रहे हो। और ये लाल साड़ी पहन के सिलेंडर क्यों बनी हुई है? अगर कोई तुम्हारे मुंह पे रेगुलेटर लगा के खाना बना गया तो क्या करेगा? इंस्पेक्टर जी, मैं सिलेंडर नहीं, पारो बनी हूँ, पारो। और यहाँ वर्ल्ड फेमस देवदास का नाटक करने वाली हूँ। शो को एक साल क्या हो गया, इन लोगों का नाटक शुरू हो गए? एक्सक्यूज मी, हमारा नाटक है तो इस शो का एक साल हुआ है। अगर तूने जिंदगी में एक भी नाटक ढंग का किया होता तो ये सब नाटक नहीं करने पड़ते तेरे को। बंद करो ये सब। अरे ऐसे कैसे पिशुम, ऐसे कैसे बंद कर दे, आज हमारा प्ले है और मैं पारो बनी हूँ। पारो बनी हूँ। अर्जुन, मुझे आपका याद आ गया नाटक जब आप पारो बनी थी। ओए देवदास ने इनकी बात नहीं मानी, इन्होंने दिए का सारा तेल पी के उसके मुंह पे कुल्ला कर दिया। वाओ। हालांकि अर्चना जी, अब तो बात पुरानी हो गई है, अब तो मैं सच बोलता हूँ, गलती आपकी थी, आपको देवदास की बोतल नहीं पीनी चाहिए थी। चलो उसकी शराब पी भी ली, उसके बाप को की पीटा, चलो बाप भी पीट दिया, उनका दामाद आया हुआ था, ऐसे टाई पकड़ के कहती ओ घुमा के मारा उसको, नाला सुबारा जाके गिरा, ऐसे करना चाहिए आपको। इंस्पेक्टर साहब, एक तो मेरा देवदास नहीं आ रहा, और अभी क्या नाम शराब बोल के मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। तो उसे पता चल गया होगा ना तुम पारो बनी हो, नहीं आया अगला। हाँ, वो चार पैक ज्यादा मार के चुन्नी बाबू की चुमिया ले रहा होगा कहीं, हमें क्या पता। और सुनो मेरी बात, तुम भी कोई ऐसा ढंग का काम करो जिसका कोई फायदा हो, समझ में है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं एक्टिंग फायदे के लिए नहीं, पैशन के लिए करती हूँ। ये तो 10 रुपए को पैशन बोलना बंद करो, पैशन के लिए करती हूँ। यहाँ मेरी सांस अटकी हुई है, देवदास आ नहीं रहा, मेरा डायरेक्टर कभी भी आ जाएगा। देखिए अगर आपको पता हो कि कोई अच्छा एक्टर जो है तो प्लीज उसे बुला लीजिए, प्लीज। अच्छे एक्टर को हम जानते तो तुझे बुलाते। देखो मैं बन जाता हूँ देवदास, मेरे में पूरा चाम है ये देखो। अब शाहरुख खान लगते हैं। तुम पारो लगती हो? लगती हूँ। कोई भी शाहरुख खान अपनी माँ के पेट से शाहरुख खान बन गया था। उसे शाहरुख खान बनाता है यश चोपड़ा। उसे शाहरुख खान बनाता है करण जौहर, गौरी खान। उसको बनाता है बैन स्टैंड, उसको शाहरुख खान बनाता है मन्नत। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मान लिया आप देवदास है, मान लिया। तो रिहर्सल कर ले प्लीज। चलो किससे शुरू करते हैं? क्या किससे? किससे शुरू करते हैं? किस से? हाँ या देवदास ने किस नहीं किया था? क्या फायदा, दारू क्यों पिला रहे हो फिर? हैं? फिर तो देवदास से अच्छा इमरान हाशमी है, एक भी ड्रिंक नहीं लेता अर्चना जी, लेकिन पहले सीन में वैक्यूम क्लीनर बन जाता है। कसम से वो आदमी मेरे को इतना अच्छा लगता है, रियली रिस्पेक्ट हिम। वो सेकंड हाफ के भरोसे रहता ही नहीं, उसके भी पैसे वसूल, हमारा भी अच्छा लगता है, हमें भी। नमस्ते, एक मिनट, नमस्ते।
और अर्चना जी भालो भालो नहीं नहीं भालो भालो मतलब आपको भालो नहीं बोल रहा है जानवर नहीं बोल रहा है भालो मतलब अच्छा है खूब भालो सब ठीक है हमी अरिंदम बागची थिएटर डायरेक्टर अच्छा नमस्कार नमस्कार हेलो सर 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 अमी भूरी मैंने आपका नाटक का सारा काम संभाला वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अमी तुम्हाके भालो भाषे ए तुम्हारी भी भालो की भाषी गाली दे दे हम गाली नहीं दे रहा है हम बांग्ला में बोला हम तुमसे बहुत प्यार करता है ए बात सुनो ये कोलकाता से तुम सब लोग इकट्ठे आए हो सब लोग सब लोग कौन आए सब लोग एक तो बाकी बॉडी के भी मुंह निकालो खुद का ही मुंह लगा के घूम रहे हो एक बात बताओ इधर आओ कि तुम्हारे इधर टॉयलेट वगैरह जाने का रिवाज है कि डायरेक्ट फटते हो नहीं मेरे को ये बता रही थी कहती जो डायरेक्टर साहब हैं एक महीने का एक साथ ही पानी पी लेते हैं आप आम नहीं करता है वो ऊंट करता है अच्छा आप ऊंट नहीं है नहीं तो फिर 5 मिनट हो गए आए हुए अभी तक चिंगाड़े भी नहीं आप हम क्यों चिंगाड़ेगा हाथी चिंगाड़ता है अच्छा आप वो भी नहीं है नहीं यार एक बार बताओ ये मैं बड़ा हैरान हुआ इंसानों की तरह बात कैसे कर लेते हो आप डायरेक्टर है सर सर मैंने ना प्ले की सारी तैयारी कर ली है और मैं पारो बनी हूँ ओड़ी बाबा ये पारो है पर तुम तो हॉट भी ना है तुम्हारा यहाँ का सिद्धू जी जरूर तुम्हारे वजह से गया होगा कि सामने कुछ व्यू भी ना है इधर बैठ के करे तो करे क्या वैसे ये देवदास है प्ले में ओड़ी बाबा चलो निकलो निकलो ये चौल बेना निकलो एक मिनट यार डायरेक्टर तुम तो वही कमाल है तुम घुमा फिर आके बोल दो बाहर निकलो ये तो तुम डायरेक्टर ही हो गए अब हम डायरेक्टर हाई तो डायरेक्टर ही होएगा अच्छा तो मैं इंस्पेक्टर जाऊं मतलब वो अर्चना जी है तो वो अरेस्ट हो जाए ये क्या बात हुई ये क्या बात हुई देखो छोटा लड़की छोटा अगर ये लड़का को देवदास बनना है तो इसको बोलो कि धोती पहनेगा कुर्ता पहनेगा देवदास धोती कुर्ता पहनता है तुम कल को कहो कि देवदास मैक्सी पहनता था तो मैं मैक्सी पहन लेगा ऐसा नहीं होगा मैं धोती नहीं पहनूंगा तुम काफी मजाकिया आदमी है और तुमसे बंगाली नहीं बोली जा रही क्यों बोलते हो तुम आ जाओ अपना हिंदी पंजाबी में आ जाओ जिसमें कंफर्टेबल हो वो करो अब ये लड़की देखो कितने एपिसोड हो कितने साल कोई नया कैरेक्टर किए नहीं कोई जरूरत ही नहीं एक्सक्यूज मी एक कैरेक्टर करती हूँ लेकिन टिका के करती हूँ ओके आज पारो बनी हूँ यहाँ बैठे हर मर्द के अंदर की देवदास मेरे लिए आहें भर रही है सुंदर लगता है अबे चल झूठे कहीं के 4 महीने ऑलरेडी मारे हुए मेरे को नहीं लग रही चलो नाटक मैं कर लूंगा फिर भी थोड़ा ग्लैमर देख लेना अपने हिसाब से बड़े लोग पेड़ लगाने का सेव द टाइगर माय च से चुन्नी बाबू एक मिनट यार च से चुन्नी बाबू हमारे इधर च से कुछ और होता है नहीं च से चागल कहीं का एक मिनट तुम वो नकली कृष्णा है ना डायरेक्टर साहब माय चुन्नी बाबू आप छह से चुन्नी मैं छह से शेरवानी ये 10 से दुपट्टा ये ल से लंगोट और कपड़े की दुकान खोले क्या बोलते हो अरे बाबा ये तुम क्या कर रहा है नाटक के हिसाब से चुन्नी बाबू तुम्हारा फ्रेंड है दोस्त है उसे अच्छा अच्छा बात करो ओ तो छह से चुन्नी बाबू
आप क्या लेंगे, ठ से ठंडा या घ से गर्म? माए ठ से ठंडा। अ से औकात में रहो। ये अपनी बुआ की लड़की की शादी में नहीं आए तुम? हाँ। एक मिनट, अगर न से नहीं देना था तो प से पूछ क्यों रहे हो? प से पूछना हमारा ब से बड़प्पन है, लेकिन फरमाइश करके तुम छह से अपना छुटप्पन दिखा रहे हो। छुटप्पन से याद आया, इधर आओ वीरप्पन की मूछ, इधर आओ। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं नहीं करना इसके साथ, मैं जा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा कह के हम तुमको रोकेगा नहीं। तो तब आ जाओ फिर, मैं जा रहा हूँ। जाओ जाओ। चुनी बाबू, आप तो हमें पीछे ही छोड़ा है। तुम्हारे न से नखरे बहुत हैं। आप भी ना माँ से बड़े मजाकिया हैं। ए, माँ से मजाक नहीं। छट। बड़ो। माँ ममता की मूर्ति होती है। हाय हाय। और बाप क्या बापता का मूर्ति होता है? माँ ममता का मूर्ति होता है, बता रहा है क्या है, क्या बातचीत चल रहा है? ए चंद्रमुखी, आम थिएटर डायरेक्टर। और मैं हूँ देवदास। तुम तो जोरा था ना? तो जो जोएगा वो ओएगा भी। तो मैं जोया था, मैं फिर ओया हूँ। वैसे चंद्रमुखी, वो मैंने आपको पहले भी देखा है, वो जो आप इंस्टाग्राम पे कपड़े पहनती, वो वाले क्यों नहीं पहन के आई आप? देखो इसे शो नहीं, इसको अपना इंस्टाग्राम ही समझो। Go and change and wear that always yes, Instagram वाले कपड़े। खड़े खड़े मैंने 100 लाइक दे देने आपको। देव बाबू, देव बाबू, आपको हमसे इश्क करना है। मैं चंद्रमुखी के होते हुए बंदरमुखी से क्यों इश्क करूं मैं? फिर मेरे को वही। बड़े बाबा सुनो, जब इंसान मुसीबत में होता है तो गधे को भी बॉब बनाना पड़ता है, तो तुम बंदरिया को पारो बना लो। अबे ओ पप्पू पोलसन, इधर आ। और आए। इधर आप। और आए। जब न से नहीं होता है तो ब से बंगाली करता क्यों है बे? अबे रुक। ये क्या कर रहा है तू? हम गोविंदा कर रहा है, क्योंकि तुमको सिर्फ वही समझ में आता है। अबे ओ, अबे च से ये बेवकूफियां करना छोड़। च से बेवकूफी नहीं होता। हाँ तो च से जो होता है वो समझ ले, फिर ये सब करना छोड़। समझा? चूहे। अच्छा, चूहे। चूहा बोल रहा था। चूहा। लेकिन हमारा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। ये छोटा पारो, सुनो मेरा बात। ये यहाँ पे क्या चल रहा है? तुम इधर डोंडिया करने के लिए आया है? नहीं ना, तो रिहर्सल शुरू करो। तुम सब लाइन याद किया है नाटक का, अभी चंद्रमुखी से अपना डायलॉग बोलो। कम ऑन, रेडी एक्शन। चंद्रमुखी, मुझे तुम्हारे आंगन से मिट्टी चाहिए। शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी हो गई अभी भी मिट्टी खाती हो? मिट्टी खाने के लिए नहीं, मिट्टी माँ की मूर्ति बनाने के लिए। बहन तुम वो बनाओ ना जो अब तक चैनल वालों को बनाती आई हो। उल्लू। देखो तुम मुंबई नहीं आ सकता है। वो मुंबई नहीं आ सकती, तुम तो टॉयलेट जा सकते हो। तुम तो जाओ, फालतू में आ गए, इतना अच्छा सीन चल रहा था। तुम्हारा आवाज बहुत गंदा है, इसलिए तुम मुंबई नहीं आ सकता है। अभी हम अगला सीन शुरू करेंगे। और देव बाबू, तुम इधर पारो के पास उसका घर पे उससे मिलने के लिए आया है। ओके। देवदास आया पढ़ के लंदन से, ये पारो भेज रही है, उसको बोलो मेरे घर पे आए, मैंने जाना तंग गलियों में। ठीक है, तुम अभी घर पे आए। हाँ तो आ रहा है, चलो रेडी। ओके ओके। हाँ चलो रेडी एक्शन। तुम पीछे जाओ, मुझे बाकी लोकेशन नहीं नजर आ रही। एक्शन। देवा, ओ देवा, मैं भांगुर नगर में खड़ा हूँ, इधर तो खड़ा हूँ मैं। धीरे नहीं बोल सकती?
कितने के दिए ये दिए? मैं आपको दिया बेचने वाली लगती हूँ? दिया बेचने वाली भी नहीं हूँ। पारो भी तुम नहीं लगती, चंद्रमुखी भी तुम नहीं लगती, गले भी तुम नहीं लगती। कैसी बातें कर रहे हैं देव बाबू, कब से आपके लिए दिया जला बैठी हूँ मैं। दिया मेरे लिए जलाया तो बाहर टायर किसके लिए जलाया है? तेरे को ये सूंघती है, सस्ते नशे करने वाली नशेड़ी कहीं की। एक मिनट, नशेड़ी से याद आया, कुछ मिलेगा क्या? रखे लाए क्या? ये क्या उल्टे हाथ का रखा है? दू चिंच पोकली, तेरे से बड़ा अदरक ना मैं कूट के चाय में डालकर पी जाता है, समझा? बात कर रही ले। अच्छा मेरे चुन्नी बाबू के लिए कुछ बोला ना तो? तो 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 मैंने चुम्मी बाबू बनके सबकी चुम्मियां ले ली। ये क्या चल रहा है? तुम सीन के ऊपर, तुम लोग जरा पीछे जाओ, फोकस नहीं हो रहा है। अब तुम दोनों का सीन हाय, ठीक है? हाँ, हाथ में बोतल हाय ना। हाँ रेडी, अभी सीन करो, एक्शन। देव बाबू शट अप, गेट आउट, बिना पूछे अंदर कैसे आई? गेट आउट। देव बाबू इतना पीते क्यों हो जब बर्दाश्त नहीं होता? तेरे बाप ने लेके दिए। कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? हम तो इसलिए पीते हैं ताकि इनको बर्दाश्त कर सके। अरे उड़ी बाबा, ये बीच में किधर से हो गया? ये तो हम सोच रहे 17 एपिसोड से, ये बीच में किधर से आ गया? हमको नहीं पता चल रहा है भाई, तुम पता करो किसी तरीके। देव बाबू क्या हमेशा याद रखिएगा, बिना पारो के देव हमेशा अधूरा रहेगा। तो पारो कौन सी पूरी है? चलो बाकी की लेके आओ। देव हट, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। क्यों? मैं बीड़ी? आई डोंट लाइक। ये तुम क्या डायलॉग बोलता है? ये नहीं है स्क्रिप्ट में, डायलॉग ही नहीं है। ज्यादा भड़को मत, तुम्हारे फटने का टाइम हो गया है। जाओ बाहर जाके फटो, फ्रेश हो जाओ। बस बहुत हुआ, हम अभी अगला सीन करेगा। अभी अगला सीन सुनो, चंद्रमुखी तुम इधर आओ। अगला सीन में तुम चंद्रमुखी के घर पे आया है। अच्छा। उसका नाच देखने के लिए। मैं गीता माँ हूँ, मैं उसका डांस क्यों देखने आया हूँ? मेरे ये क्या सीन हुआ? देखो ये जो तुम्हारा ह्यूमर है ना, हमको मत सुनाओ, सोनी को सुनाओ, हमको वैसे भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? चलो अभी आगे बढ़ो, सीन करो, एक्शन। डरते नहीं चंद्रमुखी? चलो इंस्टाग्राम वाली फोटो खींचे। यूं नजर से बात की और दिल चुरा गए, हमने सोचा था बुद्धू पर आप धड़कन सुना गए। वाह वाह, बस ये बस का टिकट मेरे से लिया। अबे शायरी का टाइम आया तो इसको सुना रही है। वे, ये हर बात में बस से बस का टिकट, शहर से शायरी, कोई लाइन तो मैं ऐसे फालतू की बात की ना, मैं पास से तुम्हारा सर तोड़ दूंगा मैं। एक मिनट, एक पास से सर कैसे तोड़ सकता है? पहले पास से पीऊंगा मैं, फिर तुम्हारा सर तोड़ूंगा मैं। चंद्रमुखी लेट्स गो। और तुम चंद्रमुखी के साथ कैसे जा सकता है? तुम कहानी बदल रहा है। कहानी बदल रहा है, हम चैनल भी बदला है। चलो मेरे साथ। एक मिनट, जहां से जब जाना होगा तो बस से बता देना, और जब भी किसी से हाथ मिलाओ तो थोड़ा सा हाथ दबा देना। ओए इंदौरी पोहे, मैं पक गया हूँ। चलो तुम मेरे साथ चलो। ऐसा नहीं हो सकता है, लॉजिक वाइज तुम पहले पारो से प्यार करता है, उसके बाद चंद्रमुखी से प्यार करता है। लॉजिक वाइज जाना है कि फन वाइज? लॉजिक वाइज जाओगे एक आधा एपिसोड के बाद निकाल दिए जाओगे, फन वाइज जाओगे 150-200 करोगे, 300 भी करोगे, सालों से हो रहा है। देखो बड़ू, चा से चुन्नी मायो तो चा से चंद्रमुखी के साथ मैं जाऊंगा। तो चुन्नी बाबू में क्या है, मैं बन जाता हूँ चुन्नी बाबू? अरे आप किसी चुन्नी बाबू बन सकते हैं? चुन्नी बाबू इसमें, चुन्नी बाबू का क्या है? ये लो मैं चुन्नी बाबू बन गया, इसमें क्या है? और बताओ बहन। बन गया। ये तो माचिस का गाना है, मुझे पता है। बीड़ी पीने वालों को पता है कौन सा गाना माचिस का है?
चलो चंद्रमुखी। अगर च से चंद्रमुखी के साथ तुम जाओगे तो मैं माँ से इधर क्या करूँ आप? इतना मेरे को गुस्सा दिला दिया ना तूने ब से बेवकूफ। चलो चंद्रमुखी च से चले कठ से इधर ही ठहरना है। ये सब चौल क्या रहा है? मुझे बड़ा मजा आ रहा है, हैं? वे काम करो चुन्नी बाबू, तुम कहाँ से क्राइम पेट्रोल में चले जाओ, चाह से चंद्रमुखी, तुम मेरे साथ से अंदर चाह से चलो। एक मिनट। और एक काम करो। देव बाबू, आप भूल रहे, चंद्रमुखी एक नाचने वाली है। हाँ तो चार पांच आइटम सॉन्ग करेगी, तेरी तरह मुफ्त में तेरी खा रही है वो, मेहनत कर रही है। हाँ तो ठीक है देव बाबू, आपने पारो का डांस नहीं देखा है, पारो आज दिल से नाचेगी। आ जाओ ऑडियंस, कम। जब दो औरतें ऑलरेडी नाच रही थी, तेरी धोती में क्यों खुजली हो रही थी? चलो चंद्रमुखी, तुमको मैं इंडिया बेस्ट डांसर में लेके चलता हूँ, कम ऑन। और देव बाबू मैं? तुझे तो भगवान लेके जाएगा, आया ना यमराज का आदमी, ये उसका क्लर्क है, इसका भैंसा भाई तेरे को लेके जाएगा। क्या हो रहा है? ऐसा किस देवदास में होता है? ये पंजाबी देवदास इस तरह होता है? बकवास करी जा रहे, बंगाली बोली जाता है बंगाली। मैं मुक्का मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगा, मैं तुम दोस्तों बेटा, तेरा बड़ा मुंह है तो हूं, तेरी एनर्जी भी नहीं है, वो तो वाह लेटे करके आ गया। तुम हमारा नाटक का भोका चौका कर दिया, अभी हम तुम्हारा चौका चौका करेगा। ऐसा महिला काय झाला याला, आई तो गावत। अब क्या होगा देव बाबू? आता माजी सटकली, सॉरी इसमें कोई आत्मा आ गई है। अभी आत्मा तो तुम सौंप का आम निकालेगा, क्या हो रहा है? अब क्या करेंगे? अब क्या तुम्हें नहीं पता भागना होता है? इधर भाग, भागो भागो, इससे नहीं भागा जाएगा, चलो। भाग तो किधर आए, रुको तो, इधर रुको। अर्चना जी, मार्केट में एक नया गाना रिलीज होने जा रहा है, मार्केट समझती ना आप? मार्केट मार्केट कोई भी मार्केट हो, चाहे गाने की मार्केट हो, फिल्मों की मार्केट हो, अपनी दुकान चलती रहती है। बिल्कुल। हमने तो अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी देवी, 13 मिनट की फिल्म, हमने 2 घंटे का एपिसोड बनाया। अपने को अपने काम से मतलब रहने का है बॉस। तो एक नया सिंगल आ रहा है मांझा, मांझा तो आप जानते होंगे, जो डोर पे लगता है जिससे सामने वाले की पतंग काटते हैं, जैसे आपने काटी सिद्धू जी की। तो और आज इस सॉन्ग में परफॉर्म करने वाले दोनों कलाकार यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी हैंडसम आयुष शर्मा एंड वेरी ब्यूटीफुल साई मंजरेकर। है मांझा तेरा तेज, ये दिल की पतंग को काटे है तुझे से कटके, गिरे तेरी छत पे आके आए मांझा तेरा। आयुष सही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पतंग को काटे आए तुझे, जोरदार तालियां। गिरे तेरी छत पे आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तुझे मुड़ के देखे आए तुझे से कटके, गिरे तेरी छत पे आके आए मांझा तेरा। दिल की पतंग को काटे हैं। जोरदार तालियां आयुष और सही के लिए। आयुष सही, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सर। आप सब जानते हैं आयुष ने लव यात्री से जो अपना डेब्यू किया, और सही ने दबंग 3 से अपना डेब्यू किया, और उसके बाद ये दोनों अपना एक म्यूजिक वीडियो लेके आ रहे हैं मांझा, जिसका नाम है। तो आपको हमारे शो पे आने की इतनी जल्दी थी, पूरी फिल्म का वेट नहीं कर पाए आप?
सर एक क्वेश्चन है. हाँ जी. आपने घर में से सलीम साहब आए यहाँ पर. हाँ. सलमान भाई आए हैं जी. अरबाज भाई आए हैं. सोहेल भाई आए हैं. हेलन आंटी भी आई हैं जी. और आई बिलीव जब सलीम साहब आए थे तो आपका शो का टीआरपी आई थिंक 3.9 था. क्या बात थी. ओपनिंग एपिसोड था हमारा. तो जब ये शो आपका उस दिन 3.9 पे था. हाँ. क्या उस दिन आपने सोचा था कि एक दिन मैं भी यहाँ पे आऊंगा. मैंने नहीं सोचा था पर जब सलमान भाई प्रोड्यूसर बने मुझे लगा अब तो आएंगे. सही. आप सब जानते हैं दबंग 3 से उन्होंने सलमान भाई के साथ डेब्यू किया. बहुत बहुत मुबारक आपको. आपके काम को बहुत सराहा गया है. अच्छा आपको पता है सही आप पहली हीरोइन है जो एक ही फिल्म करके इस शो में दोबारा आ गई. नहीं तो कई हीरोइन ऐसी हैं सारी उम्र निकल गई. हाँ. यहाँ नहीं आ पाई वहां चाहे बैठी हुई है. ये बेटर है. बेटर है. वो भी किसी की छाती पे लात रख के आई है. आयुष आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आयत के लिए. थैंक यू. बहुत ही प्यारी हमने पिक्चर देखी थी सोशल मीडिया पे. और सबको बधाई घर में पूरे परिवार को बधाई. थैंक यू. थैंक यू. अच्छा जिस डेट पे सलमान भाई की फिल्म रिलीज होती है कोई दूसरा प्रोड्यूसर अपनी फिल्म रिलीज नहीं करता. इन्होंने अपना बेबी रिलीज किया सेम डे पे. बेसिकली जब सलमान भाई का जन्मदिन होता है 27 दिसंबर को उसी दिन आयत ने जन्म लिया. सो आयुष ये बात बताइए ये प्री प्लानिंग थी कि कोइंसिडेंस था. सर देखिए ऐसा है कि मेरा एक और बेबी है आहेल. आहेल और हर साल उसके बर्थडे पार्टी के लिए कुछ ना कुछ एक नया तैयारी होती रहती है. हाँ. और थोड़ा बैंक बैलेंस मेरा वीक हो जाता है. हाँ. तो इस साल मैंने सोचा कि यार एक तीर से दो निशाने. ये तो सही है. भाई का बर्थडे भी हो गया साथ में आयत की पार्टी भी फ्री में हो गई. वेरी नाइस. अच्छा सही पिछली बार आई थी सलमान भाई के साथ आई थी. इस बार उनके जीजा जी के साथ आई है. तो आपके खान फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे हैं या आप जुगाड़ लड़ाती हमारे शो में आने के लिए? ये सब आपके शो में आने के लिए मैंने किया है. ओ धन्यवाद आपके प्यार के लिए. हम अपनी तारीफ अपने आप करवा लेते हैं. आइए दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. प्लीज विराजमान हो जाइए. बाय द वे सर ये फ्रूट्स असली हैं. अगेन या हां मैंने सैनिटाइजर छिड़का अभी इस पे. अच्छा सैनिटाइजर से याद आया सैनिटाइज जरूर करें अपने हाथों को. और अगर सैनिटाइजर नहीं अवेलेबल है तो साबुन से अपने हाथ धोएं. और स्पेशली जब आप कभी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं अब क्योंकि एक समस्या चल रही है ग्लोबली चल रही है और जितना हम लोग सावधानी बरतेंगे उतना ही अच्छा है. सो गॉड ब्लेस यू ऑल. खुश रहें. Absolutely. अच्छा आपको एक मैं और बात बता रहा हूँ. आयुष जो है आयुष का नाम आयुष है. इनकी वाइफ का नाम अर्पिता है. इनके बेटे का नाम अहिल है. बेटी का नाम आयत है. घर में सबके नाम ए से शुरू हो रहे हैं. तो आपको किसी ज्योतिषी ने बोला है कि या आप आलसी हैं? सर ऐसा है कि सच बात यह है कि मैं आलसी हूँ. अच्छा तो ऐसा लंबा नाम मैं सोच नहीं सकता था कि यू नो आयुष्मान भव आहिल का नाम ऐसा हो. हाँ. तो इनका छोटा नाम है सिंपल है समझ में आ जाएगा. हाँ. दूसरी बात यह कि उसमें ना मेरे घर के सामने एक बोर्ड लगा था जो शादी के बाद आयुष और अर्पिता का घर के बाहर बोर्ड होता है ना. अच्छा तो उसमें ए लिखा है. मुझे ऐसा खराब लगा कि मेरे बच्चों को ऐसा लगा कि मैं उनको घर पे वेलकम नहीं कर रहा हूँ. हाँ. तो मैं सबका नाम ए से कर दिया. अच्छी बात है. तो आज से वो आहिल और आयत का घर है. ये ना आयुष लोग चलाक बड़े होते हैं. जानबूझ के मेरे को सवाल दे देते. पूछो कई सवाल मेरे नहीं होते. अच्छा. जैसे ये सवाल मेरा नहीं है ये दर्शकों ने दिया था. कहते कि आप शादीशुदा हैं जी. सलमान भाई कवारे हैं जी. आपको क्या लगता है किसकी लाइफ जो है ज्यादा मस्त होती है शादीशुदा आदमी की कि कवारे आदमी की? अब दो जवाब. सर सर देखिए अगर आप सलमान खान हैं हाँ. फिर कुवारे ठीक है. और अगर आप सलमान का नहीं है हाँ. शादी कर लो जिंदगी बेटर है. बिल्कुल सही जवाब दिया. आप जीतते हैं हमारी तरफ से काले अंगूर. आयुष अब तो आपकी शादी हो गई है जी. तो अर्पिता सॉरी पर वैसे ही पूछ रहा हूँ कि शादी से पहले कितनी पतंगे आपने ऐसे भिजवाई हैं? मतलब करते ना आप ये सब कुछ? सर क्या है इस गाने का एक रीजन है पतंगे मैंने बहुत उड़ाई. अच्छा बट करेक्ट छत में कभी लैंड नहीं हुई. अच्छा सो कभी किसी और के छत पे चले गई कभी किसी आदमी के छत पे चले गई. तो मेरे को ऐसा थॉट था कि मैं गाना करना चाहता हूँ जिसमें मेरी पतंग करेक्ट जगह पे लैंड होगी. वेरी गुड. तो इसलिए गाना किया मैंने. तो जब रियल लाइफ में आपकी पतंग सही जगह पे लैंड हुई जी आपको पता था वो सलमान खान की बहन है? पता था वैसे? सर
ये मुझे उसके हाव भाव से देख के समझ में आ गया था कुछ तो कनेक्शन है. फिर भी आपकी हिम्मत कैसे हुई? सर एक्चुअली क्या है कि एक आपको एक फनी किस्सा बताता हूँ. जी अर्पिता में स्टार्ट में कुछ फिगर आउट कर रहे थे. अच्छा. तो अर्पिता की मॉम को बताते थे कि यू नो आई लाइक योर डॉटर. उन्होंने बताया था कि आई लाइक आयुष. बट ये बात सलमान भाई को नहीं पता थी. अच्छा. तो एक दिन उन्होंने मेरे को वैसे हम पार्टी में थे उन्होंने बोला कि यार एक बज रहे हैं घर पे पिक्चर देख लेते हैं दो तीन दोस्त और आ रहे हैं. मैंने कहा यार घर पे जाऊंगा तो लेट अजीब लगेगा एक बजेगा प्लस भाई अगर देख लिए तो. कहते नहीं भाई कर्जत में है डोंट वरी. अच्छा. मैंने कहा ठीक है बाकी दोस्त आ रहे हैं. और मैंने कहा मॉम डैड कहते एक बजे गैलेक्सी का मतलब है कि दस बज रहे हैं सब जागे हैं. सर मैं घुस रहा था बिल्डिंग में एक बिल्ली ने मुझे म्याव किया. अच्छा. मेरे दिल ने कुछ कनेक्शन दिया कि कुछ बिल्ली कहना चाहती है मुझे. अच्छा. मैंने उस बिल्ली की बात को सीरियसली नहीं लिया. मैं ऊपर गया और कुछ 15 मिनट हम लोग टीवी देख रहे थे और एक चैट शो चल रहा था जहाँ पे सलमान भाई की बात हुई. अच्छा. और यहाँ पे टीवी है और यहाँ से सलमान भाई की सडनली एंट्री होती है. अच्छा. गुड गॉड. और यहाँ वो खड़े उनके पीछे मैं खड़ा हूँ और उन्होंने मुझे देखा ही नहीं है. अच्छा. सर ट्रस्ट मी उस दिन मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है. और मैं अपने को दीवार में से पीछे खड़ा हुआ था कि अब क्या करूं क्या करूं क्योंकि बाकी दोस्त तो आए नहीं. आज पक्का मार पीटेगी. और उसे कुछ दिन पहले मैंने वो पिक्चर देखी थी प्यार किया तो डरना क्या. अच्छा. तो मैं कैरेक्टर में था. तो जैसे वो मुड़े मैंने उनको बोला हाय सर आई आयुष. तो उन्होंने कहा आई आई एम सलमान. मैंने कहा वो मुझे पता है. तो चले गए और उन्होंने अगले दिन जाके मम्मी को पूछा कि अर्पिता ने मुझे लड़के से ना. मम्मी को लगा अर्पिता ने सब कुछ सच सच बता दिया उनको. अच्छा. तो अर्पिता ने कुछ नहीं बताया मैंने कुछ नहीं बताया मम्मी ने सब कुछ सच सच बता दिया. और आज भी वो बिल्ली उधर ही है अपने बच्चों के साथ. अच्छा सही का हमने इंस्टाग्राम देखा आपका. हाँ फॉलो किया. फॉलो मैं अभी करूंगा फॉलो भी बकायदा. ठीक है. तो मैंने देखा सही ने ना बहुत सारे घोड़ों के साथ फोटो डाली हुई थी. हाँ तो मैं पहले दिखाना चाहता हूँ आपको कुछ फोटोग्राफ्स हैं. ये क्या कर रही है सही आप उसके कान में कुछ बोल रही है. सो स्वीट. पहले तो मैंने जब अकाउंट देखा मुझे लगा अकाउंट जो घोड़े का है उसने सही के साथ फोटो खिंचवाई हुई है. अच्छा आयुष हमें पता है कि ये जो गाना है आप दोनों इसमें एक्टिंग कर रहे हैं. आपने नहीं गाया है लेकिन फिर भी आपके फैंस आपको प्यार करने वाले लोग चाहते हैं. दो लाइनें गुनगुना दें आप इस गाने की. सर वैसे तो सिंगिंग मेरा हिडन टैलेंट है. ओके. बनना चाहता हूँ मैं सिंगर बट आपके सामने ऐसा कर बैठा हूँ. तो आप कह रहे हैं तो मैं टैलेंट मैं रिवील करता हूँ. जी. तो आप अपना गाना स्टार्ट करता हूँ. जी. ठीक है. सो 1 2 3. अच्छा और जोरदार तालियां इनके लिए. हेलो विशाल आपका बहुत बहुत स्वागत है. सैनिटाइज लेके आइए. ये देखिए हम अपने दर्शकों को उत्साहित कर रहे हैं. सैनिटाइज लगाइए. और ये अगर आप 2 मिनट और लेट हो जाते ये आदमी सारा क्रेडिट ले गया था गाने का. पर बड़ी खूबसूरत आवाज की जोरदार तालियां. मेरा एक क्वेश्चन है विचार से. भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पर? भाई मुझे बताया नहीं मांझा प्रमोट हो रहा है और मुझे ही नहीं बुलाया. तो मुझे किसी ने बाहर बोला. अच्छा. कि आज मांझा का प्रमोशन हो रहा है. तो मैंने कहा ऐसे तो मैं तेरे स्टूडियो से रात को छुप छुप के निकला हूँ कि यहाँ पर प्रमोशन में आ सकूं थोड़ा क्रेडिट ले लूं. क्या है यार. जोरदार तालियां विशाल के लिए. आइए विशाल बहुत बहुत स्वागत है आपका. तो ये खूबसूरत गाना जो आप सुन रहे थे ये खूबसूरत आवाज जो है ये हमारे मिश्रा जी की है विशाल जी की. विशाल आप ये बताइए कि जो मांझा आप वीडियो लेके आए हैं उसके पहले भी आपने बहुत काम किया है. बॉलीवुड में आपकी पतंग कैसे उड़ी? पहला ब्रेक आपको कब मिला? सबसे पहला ब्रेक एक फिल्म आई थी मुन्ना माइकल टाइगर श्रॉफ की. उसमें मेरा गाना था जो कि मैंने कंपोज किया था और गाया था. ओके. उसका नाम था प्यार हो. सुनिधि ने गाया था हमारे साथ. ओके. फिर उसके बाद ये 17 में हुआ. देन आई डिड दिस फिल्म. एक फिल्म थी करीब करीब सिंगल इरफान साहब के साथ. हाँ. जाने दे उसमें एक गाना था आतिफ ने गाया था. फिर रेस 3 हुई सलमान सर के साथ. ओके. आई थिंक वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट रहा क्योंकि सलमान सर ने ये भरोसा दिया कि आप कुछ कर सकते हो. और जब हम छोटे शहर से निकलते हैं बहुत सारे ख्वाब होते हैं हमारे पास. आप तो जीते जागते एग्जांपल हैं इस चीज के. सीरियसली जो लोग दूसरों को ख्वाब देने की सलाहियत देते हैं मुझे लगता है उनसे बड़े कोई नहीं होता. और वहां से सलमान सर ने शुरू किया सफर. और फिर लास्ट ईयर कबीर सिंह हुई.
नोटबुक हुई, सांड की आंख हुई, ये सारी मेरी फिल्में थी. जबरिया जोड़ी हुई, 27 गाने आए पिछले साल. ब्यूटीफुल. और इस साल की शुरुआत से हर एक छोटे शहर में, जब मुझे याद है कैसेट पेन में डाल के आप घुमाते हो, आप घड़ियों के सेल चुराते हो और पापा मारते भी हैं आपको कि क्या कर रहा है तुझे, तवलची बनना है. और फिर जब आप फिल्म फेयर लेके जाते हो और उनके हाथ में रखते हो तो बहुत अच्छा लगता है. सो प्राउड ऑफ यू ब्रो. कहां से वैसे विशाल आप? मैं लखनऊ के पास एक जगह है उन्नाव, बट रहा मैं लखनऊ में. और मांझा इसीलिए मुझे, मैं और भाई, मुझे याद है हम लोग पनवेल में बैठे हुए थे फार्म पे और लवयात्री या नोटबुक किसी की म्यूजिक बन रही थी. ये थॉट आया हमारे दिमाग में कि इंस्टाग्राम वाले प्यार से निकल के एक बार फिर से रूट्स पे जाया जाए और वापस वो देखने आंखों वाला वो जो प्यार होता था जिसमें आपको सुकून मिलता है वो प्यार किया जाता है. इसलिए एक्चुअली बड़ी खूबसूरत बात कही. एक्चुअली ना ये तो ये होता ना कि जब आपका प्यार हो गया उसके बाद क्या अभी शादी होगी और क्या होगा, लेकिन जब तक लड़का लड़की वो होता था ना कि लड़की ने हाँ बोला नहीं अभी तक, वो जो बीच का मजा था ना, वो उसका बड़ा मजा आता था. मुझसे किसी ने पूछा था एक बार कि इश्क है क्या, तो मैंने उसको जवाब दिया कि इश्क वो है जब तक उसका इजहार ना हो जाए. वाह वाह. विशाल आपने कबीर सिंह का जिक्र किया तो उसका गाना भी एक बार हो जाए हमारे दर्शकों के लिए, थोड़ा मजा आ जाए. एक कबीर सिंह में मैंने दो गाने बनाए, एक था कैसे हुआ जो गाया भी मैंने बनाने के बाद, और एक था पहला पहला प्यार. तो मैं कैसे हुआ सुनाता हूँ. जी क्या बात है विशाल, कितना खूबसूरत गाते हैं आप. हाँ जी आप भी बहुत अच्छा गाते हैं. अरे थैंक यू. मैं अक्सर मुझे यूट्यूब पे वीडियोस मिलते हैं आपके और मैं वो वीडियोस देखता हूँ जिसमें आपका वो मरासी अंग निकल के आता है. हाँ. और बड़ा मुश्किल, और एक आर्टिस्ट की सबसे बड़ी परेशानी वो होती है कि उसको सबको लगता है कि सब उसे समझते हैं लेकिन एक्चुअली उसका जो मेन हिस्सा वो कोई समझता नहीं है. So, वही प्रॉब्लम है. भाजी वो बहुत 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 दिल से गाते हो, मुझे brother. बहुत अच्छा लगता है. शुक्रिया. आप नेक्स्ट गाना बनाइए आप मेरे लिए. मेरी प्रॉब्लम यही है विशाल, तारीफ कर जाते लोग उसके बाद फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं. चलो भाजी अभी मांझा के बाद हम अब पतंग बनाते हैं भाजी के साथ. पक्का? मजाक कर रहे हो ना पाजी, तुझे जदों को उस दिन कर लेने कोई टेंशन. कसम खाओ. कसम 100 लग गए मेनू. क्योंकि इसकी पतंग कम और कटी पतंग ज्यादा बनी है यहां पर. मेरी लिस्ट में देखो ए रहमान साहब, सब आए. यू वांट टू सिंग? मैं कह यस आई विल मेक यू सिंग. और इतने स्वीट हैं, उसके बाद उन्होंने एक भी फोन नहीं किया. उसके बाद विशाल शेखर, सलीम सुलेमान, और अब आपका नाम मैं नहीं चाहता उस लिस्ट में शामिल हो. आप तो करवा ही दो मेरे को. आप तो मतलब छा जाओ उनसे, फर्स्ट आ जाओ आप. फर्स्ट आ जाओ. सही, आपको आप लोग क्या बोलते हो, कपिल पाजी की आवाज में गाना आना चाहिए ना. यस पाजी करते हैं, लेट्स डू दिस. यहाँ पे नहीं, बाद में. शुक्रिया. पाजी एक गाना हो जाए हो जाए यार कपिल, दो लाइनें हो जाए. शुक्रिया, इतना ही मेरे को आता है याद. मैंने ये ना, मैं तैयार नहीं था, मैं और अच्छा गाता हूँ. मुझे टीम से शिकायत है जी, इतनी आवाज वाला माइक हमें क्यों नहीं दिया. अच्छा लव यात्री, आप सबने फिल्म देखी, उसका गाना जो एक बहुत ही बाकमाल हिट हुआ था, चौगाड़ा तारा. वो अभी मतलब पहले पहले जो भी जब होता है ना डांडिया, तो बहुत सारे फिल्मी गाने बजते, लेकिन जब ये है आजकल ये बड़ा हिट हो गया. हाँ. तो दर्शकों की डिमांड थी, कहते थे कि बस जब आए तो थोड़ा सा डांस हो जाए ऐसे. डन. और मैं आपको कहता, देखिए को स्टार्स दे रहा हूँ आपके साथ जी. जो कौन कौन है हमारे दोस्त जो आयुष के साथ डांस करना चाहते थे. जी मैडम आइए आइए, चौगाड़ा तारा आइए, प्लीज आइए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. सही, आप भी आइए हमारी ऑडियंस में, आपको पता नहीं है इतने टैलेंटेड लोग हैं, आपको एक नए स्टेप सिखा के जा सकते हैं. आइए आइए प्लीज. हेलो हाय. हेलो हाय. अरे आप भी नाचो ना, आप क्यों खड़े? अरे चौगाड़ा तो आप ही हो. अगर मैं डांस करूंगा, आ जाओ. अगर मैं चौगाड़ा तारा टिंग, तो आइए विशाल, आइए आइए जी. मैं और विशाल दोनों, हम क्या भाई, हम लोग. मैं आपकी टीम ज्वाइन कर लूं? चलिए प्लीज चलिए. हमें पूरी उम्मीद है कि आपका ये गाना जो है बहुत बड़ा हिट होने वाला है और लोग आपको बहुत प्यार देंगे. गाना ये रिलीज हो चुका है, प्लीज आप ये गाना देखिए और मुझे
उम्मीद है कि आपको ये गाना पसंद आया. हम लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है. बहुत ही खूबसूरत गाना है आयुष. थैंक यू. जो आपने मेहनत की है, हमें उम्मीद है कि जरूर रंग लाएगी और लोग आपको ढेर सारा प्यार देंगे. और आपके आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए आप तीनों को बहुत बहुत मुबारकबाद और बेस्ट विशेज. थैंक यू सो मच. और आप सब भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हाथ जरूर धोएं बार बार और अपने आसपास सफाई बनाए रखें. और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो. गुड नाइट. शबकाया. थैंक यू. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.